हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं सेवैया, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्मसिली। तो इसको बनाने के बाद आपके बच्चे मैगी और नूडल्स खाना तो भूल ही जाएंगे। तो ये हेल्दी भी होता है एक तरह से। तो चलिए बनाते हैं वर्मसिली या सेवैया का उपमा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कढ़ाई रख देते हैं गर्म करने के लिए, और उसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा ऑयल, छोटा थोड़ा सा, यानी कि एक चम्मच, छोटा चम्मच होता है वो ऑयल हम मिला देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम को सेवैया को पहले रोस्ट करना है। तो चलिए पहले सेवैया को रोस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी भरकर ये सेवैया लिए, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो चलिए इसको पहले रोस्ट कर लेते हैं। ये रोस्ट होती है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या मसाले यूज़ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ हरी मिर्च, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। यहाँ 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। यहाँ गाजर ली है मैंने और आलू लिए हैं। तो आप अभी जो भी सीज़न में जो भी सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, आप आपकी पसंद से सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से मटर लिए हैं। तो आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सब्जी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी सेवैया रोस्ट हो चुकी है। तो चलिए अब इसका हम गैस लगाएंगे। सॉरी, लाइट चली गई है। और फिर से हम ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे, ज़्यादा हम ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ ऑयल ले लिया है मैंने, ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी सरसों के दाने। और यहाँ सरसों के दाने डालने के बाद अब डालेंगे यहाँ पर प्याज। प्याज के साथ साथ अब हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च। इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ अब हम यहाँ सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गाजर और आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो गाजर और आलू भी यहाँ हम डाल देंगे साथ के साथ, और फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम। और यहाँ सब्जी जल्दी से पक जाए उसके लिए हम यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, ताकि सब्जी हमारी थोड़ी जल्दी से पक जाए। तो यहाँ थोड़ी सी सब्जी हमारी पक चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मटर। अभी तो सीज़न है मटर का, अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो मटर भी बहुत आ रही है, तो आप ताज़ा मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर यूज़ किया है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और यहाँ हम अब इसको थोड़ी देर ढककर पकने देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको मैंने 2 से 3 बार मिक्स कर लिया था, हिला लिया था। तो यहाँ हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, और गाजर और आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी।
तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास भरकर पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पानी डाल दिया मैंने, अब इसके अंदर एक उबाल आ जाए उतनी देर हम इसको रखेंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे क्योंकि उस समय हमने नमक थोड़ा ही ऐड किया था। तो चलिए इसके अंदर एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर ये सेवैयाँ ऐड कर लेंगे। और इसको अब हम पकने देंगे। इसको अब हम ढक देंगे और लो को हम मीडियम टू लो रखेंगे। सॉरी ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है पीछे से। तो इसको चलिए पकने देते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये लगभग बन चुकी है, तो 5-1 मिनट और हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे और इसको फिर से हम ढक देते हैं। हमारी सेवैयाँ तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा इस तरह से हेल्दी नाश्ता, और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो बच्चे मैगी और नूडल्स अपने आप ही भूल जाएंगे और इसे ही आप पसंद करेंगे। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा और अपने बच्चों को ज़रूर ये हेल्दी नाश्ता कराइएगा। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।